हाँ जी, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आपके जीसीएल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज लॉ रिलेटिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको पता है, दिल्ली की सरकार ही बन गई, केवल इतना बड़ा अन्ना आंदोलन चला, केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन गया, केवल इस एक्ट की वजह से। तो अब हम पढ़ेंगे लॉ रिलेटिंग टू राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, क्या राइट है और क्या इसके बारे में लॉ है। ये लॉ पूरे वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी, जहां पीपुल्स पार्टिसिपेशन हो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एवं ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी, ऑटोनॉमी एंड एक्सेस टू अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक अथॉरिटीज, ये राइट आए। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, ऑटोनॉमी के लिए और एक्सेस टू अकाउंटेबिलिटी इन एक केस डिसाइड हुआ था आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस। इस केस के अंदर ही यह डिसाइड हुआ था जो हमारा आर्टिकल 21 है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहता है। तो ये आर्टिकल 22 आल्सो गिव्स राइट टू नो। ये जो आर्टिकल 21 है ये भी कहता है कि फ्रीडम के साथ में राइट टू नो यानी राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन इज आल्सो फंडामेंटल राइट। राइट टू नो यानी राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन बेसिकली फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज से, राइट टू नो है ना। तो जो राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच है, राइट टू फ्रीडम जो हमने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, उसी की एक स्पेसी है, उसका एक विशेष स्पेसी है, स्पेसी है, दैट इज राइट टू नो एंड राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। ओके, तो आर्टिकल 19(1) फ्रीडम, आर्टिकल 19(1) हमको क्या देता है, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक है। तो अब हमें इस एक्ट को समझने के लिए, ये हमें राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, तो सबसे पहले हमें समझना होगा राइट से पहले कि ये जो पब्लिक, किस किस से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी ये पब्लिक अथॉरिटीज कौन कौन है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, पब्लिक अथॉरिटीज की डेफिनेशन। तो ये हमने कुछ चीजें अभी समझी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी, ऑटोनॉमी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटी डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी, ऑटोनॉमी, एसेस टू अकाउंटेबिलिटी,
ठीक है, अब हम समझेंगे पब्लिक अथॉरिटीज की डेफिनेशन क्या है और रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन क्या है. राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन मींस राइट टू रिसीव रिकॉर्ड्स फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, रिकॉर्ड्स फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज. तो अब हमें सबसे ज्यादा दो शब्दों को समझना है, दो चीजों की डेफिनेशन समझनी है, पहले पब्लिक अथॉरिटीज की और दूसरी रिकॉर्ड्स की. तो अब हम समझते हैं इन दो वर्ड्स की डेफिनेशन कि आरटीआई एक्ट में यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में बना, इस आरटीआई एक्ट के अंदर ये दो चीजें हैं क्या. ओके, तो इस आरटीआई एक्ट के अंदर पब्लिक अथॉरिटी मींस कॉन्स्टिट्यूशन, एनी अथॉरिटी बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एनी अथॉरिटी बाय पार्लियामेंट, एनी अथॉरिटी बाय असेंबली, जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और एनी बाय नोटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब सीजी, एसजी, कोई भी गवर्नमेंट हो. तो पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी दैट इज अपॉइंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटेड बाय पार्लियामेंट, अपॉइंटेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी और बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट बाय एनी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ओके, और दूसरी चीज हमें समझनी है डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स. तो ये रिकॉर्ड्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स मींस डॉक्यूमेंट्स, ऑब्लिक हाथ का लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट, फाइल. ओके, फाइल, उसके अलावा माइक्रोफिल्म, फिच या फैक्स, कोई भी इमेज एंड अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर. ये डेफिनेशन दी रिकॉर्ड्स की, ये दी सेक्शन 2H के अंदर और ये सेक्शन दी 2I के अंदर. तो दो चीजें हमें सबसे पहले समझनी, क्या होती है पब्लिक अथॉरिटीज और क्या होते हैं रिकॉर्ड्स. पब्लिक अथॉरिटी मींस सेक्शन कहता है, पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटेड बाय पार्लियामेंट, अपॉइंटेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली और बाय नोटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. और रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन दी गई है एनी डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट, फाइल, माइक्रोफिल्म, फैक्स, इमेज और अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर. ठीक है, अब हमें तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ, दो वर्ड और समझने हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या होती है ये हमको और समझना है. तो यदि ये आपने समझ लिया हो तो इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर हम समझते हैं इंफॉर्मेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन. अब हम दो डेफिनेशन और समझते हैं, क्या होती है इंफॉर्मेशन और क्या होता है राइट टू इंफॉर्मेशन. अब समझते हैं इंफॉर्मेशन
सेक्शन 2F, तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी है इन्होंने, एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, इंफॉर्मेशन के अंदर क्या आता है, रिकॉर्ड्स, जिसकी डेफिनेशन हमने अभी दी आपको, डॉक्यूमेंट्स, मीमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइस, से प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीजेज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉ बुक्स, लॉ बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, ई डेटा, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन के अंदर है, कोई भी रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं, मीमोज हैं, ईमेल्स हैं, ओपिनियन है, एडवाइसेज है, प्रेस रिलीज है, सर्कुलर, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, और जितने भी कंप्यूटर में जितने भी रिकॉर्ड्स रखे, ये सारे सेक्शन 2F डिफाइन करता है एज एन इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग दिस, तो यानी ये तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसका मतलब किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल है वो इंफॉर्मेशन है। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है ये हमें समझना है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन से इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक्सट्रैक्ट लेना, इनकी कॉपी लेना, सैंपल लेना, इनको इंस्पेक्ट करना, एक्सट्रैक्ट लेना, कॉपी लेना, सैंपल लेना, इनका इंस्पेक्ट करना, या ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन सीडी, फ्लॉपी, मैग्नेटिक डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, किसी भी मेथड से एक्सट्रैक्ट लेना, कॉपी लेना, सैंपल लेना, इंस्पेक्ट लेना, प्रिंट आउट लेना, ये सारी चीजें आती हैं इंफॉर्मेशन में, इन सब का राइट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हैं, ये आप नोट करिए, एंड राइट टू द इंफॉर्मेशन। अब ये लेनी किससे है, ये लेनी है पब्लिक अथॉरिटी से, तो पब्लिक अथॉरिटी से तभी तो ले सकते हैं जब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी देने की, उनका ऑब्लिगेशन होगा। यस यू आर राइट, तो अब हम समझेंगे कि ये जो पब्लिक अथॉरिटी है इनका क्या ऑब्लिगेशन है। अब हम क्या समझेंगे, इनका ऑब्लिगेशन, ठीक है, तो अब हम समझेंगे ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। तो पब्लिक अथॉरिटीज के ऑब्लिगेशंस क्या है ये हम समझते हैं। समझिए ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक
अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटीज के ऑब्लिगेशंस क्या है, ठीक है। तो पहला ऑब्लिगेशन है कि इसको पब्लिश करना है, हर पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिश 120 दिन के अंदर, जिस दिन से ये आरटीआई एक्ट आया उसके 120 दिन के अंदर पब्लिक अथॉरिटीज को पब्लिश करना है। क्या करना है? पर्टिकुलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके फंक्शंस, ड्यूटीज, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड ड्यूटीज, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इस, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इस ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस, ड्यूटीज, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, प्रोसीजर फॉलोड, प्रोसीजर फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ, इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी। इसके क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्या फंक्शन है, क्या ड्यूटी है, हर ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है, क्या नॉर्म्स सेट किए गए हैं, नॉर्म्स सेट्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, नॉर्म सेट फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स, रिकॉर्ड्स यूज्ड बाय एम्प्लॉय, रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स, रिकॉर्ड्स यूज्ड बाय एम्प्लॉय, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं अंडर कंट्रोल, बहुत सारी चीजें आपको करनी है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का प्रोसीजर, डायरेक्टरी एम्प्लॉयज की एंड स्टाफ की, ये सारी चीजें, पॉलिसी है, डायरेक्टरी है, रिमुनरेशन, हर एक का रिमुनरेशन एम्प्लॉयज का, कितना किस किस चीज के लिए बजट एलोकेट हुआ है, ये सारी चीजें आपको देखना है। सब्सिडी प्रोग्राम, सब्सिडी रिसीपेंट ऑफ कंसेशंस, ये सारी चीजें आपको, बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये सारी रखने की। उसके अलावा से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही कि एक जो है पीआईओ बनाना है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो सारी डिटेल देगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कि कोई भी आदमी को यदि कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन
ये इस एक्ट के अंदर ऑब्लिगेशंस बनाएगी। ओके, अब हमें समझना है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के बारे में क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस बनाए गए और क्या प्रोसीजर है फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशंस और क्या क्या एग्जेम्पशंस हैं फॉर डिस्क एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो ये यदि आपने नोट किया हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के बारे में बातचीत करने के लिए। ठीक है, अब आइए डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो पब्लिक अथॉरिटी को क्या करना है, ही हैज टू डेजिग्नेट इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेज ऑफ और ऑफिसेज सेंट्रल और स्टेट पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। उसके अलावा डेजिग्नेट करना, डेजिग्नेट एट एक तो हेड ऑफिस पे करेगा सेंट्रल स्टेट लेवल पे, उसके अलावा ईच सब डिविजनल लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिविजनल लेवल एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पीआईओ अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल और स्टेट एपीआईओ यानी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। एपीआईओ अपॉइंट करेगा। ओके, जो कि इंफॉर्मेशंस की जो एप्लीकेशंस या अपील की एप्लीकेशन
इनको इधर फॉलो कर फॉरवर्ड करेगा। ये जो है बेसिकली इस फॉर्म में सरकार की जिम्मेदारी लगाई गई, इट हैज बीन मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू डिजिग्नेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, ठीक है, उसके अलावा सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एपीआई। ओके, अब आ जाइए कि इनसे इंफॉर्मेशन, ये तो इंफॉर्मेशन हमें पता लग गई, राइट टू इंफॉर्मेशन हमें पता लग गया, कौन सी पब्लिक अथॉरिटी है जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी है ये तो हमें पता लग गया, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है, इन इंफॉर्मेशन लेने का प्रोसीजर क्या होगा ये भी हमें समझना है। क्या समझना है? प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। तो अब हम समझते हैं प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। अब आ जाइए प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन आदि। अब हमको प्रोसीजर समझना, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। तो पीआईओ प्रोसीजर क्या है? पीआईओ है पब्लिक इंफॉर्मेशन सेल डील विद रिक्वेस्ट फ्रॉम पर्सन्स सीकिंग इंफॉर्मेशन। पीआईओ सेल डील विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम पर्सन सीकिंग इंफॉर्मेशन। यदि ये इंफॉर्मेशन उस पीआईओ के पास नहीं है, किसी और पब्लिक अथॉरिटी के पास है, इफ इंफॉर्मेशन किसी और के पास है, इफ इंफॉर्मेशन इज विद एनी अदर अथॉरिटी, तो पीआईओ क्या करेगा? किसी और अथॉरिटी के पास है, पीआईओ सेल ट्रांसफर विद इन 5 डेज, पांच दिन के अंदर केस ट्रांसफर कर देगा और साथ ही एप्लीकेंट को भी बता देगा। ओके, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये 30 दिन के अंदर दे देनी है, लेकिन इफ फॉर लाइफ एंड लिबर्टी तो 48 आवर्स के अंदर देनी इंफॉर्मेशन। लाइफ एंड लिबर्टी के लिए है तो 48 आवर्स के अंदर दे देनी। यदि पीआईओ नहीं देता है, नॉट सप्लाई इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज, तो इसको रिफ्यूजल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रिफ्यूजल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इसको रिफ्यूजल माना जाएगा। If request
ऑस्ट्रिच रिजेक्टेड तो पीआईओ को क्या होगा देन पीआईओ हैज टू इन्फॉर्म फॉलोइंग देन पीआईओ हैज टू इन्फॉर्म फॉलोइंग क्या क्या इन्फॉर्म करेगा नंबर वन रीजन फॉर such rejection reason for such rejection okay period appeal ka period okay or next particulars of appellate अथॉरिटी ये सारी चीजें दिस इज द प्रोसीजर ओके नाउ कमिंग टू द एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर हाँ तो ये हमने समझा प्रोसीजर प्रोसीजर समझ में आया जो भी इंफॉर्मेशन है और जो भी रिक्वेस्ट है उनसे डील करेगा पीआईयू यदि वो किसी और डिपार्टमेंट के लिए तो उसको भेजेगा 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देगा यदि लाइफ एंड लिबर्टी की है तो 48 आवर्स के अंदर यदि पीआईयू ने इंफॉर्मेशन 30 दिन के अंदर नहीं दी या 48 आवर्स तो इसको रिफ्यूजल माना जाएगा और अगर उसको किसी वजह से वो रिजेक्ट करता है तो रीजन देने पड़ेंगे पीरियड देना पड़ेगा जिसमें अपील की जा सकती है और पर्टिकुलर्स ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी ये देना होगा कहां पर अपील की जा सकती है ये सारी चीजें दिस इज द प्रोसीजर ये क्या है दिस इज द प्रोसीजर ओके ये बात समझ में आई हाँ जी तो आगे बढ़ें क्या इसको हम एज करके आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ते अब हम समझते एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में एग्जेम्पशन दी गई है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर अब ये किस किस चीज के लिए एग्जेम्पशन दी गई है ये हम जरा समझते हैं Exemptions from disclosure. कोई भी disclosure जो देश की एकता और अखंडता sovereignty और integrity के अगेंस्ट है integrity को prejudicially affect करती है ठीक है या दैट इज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर या तो देश की एकता है एंड अखंड के लिए जो खतरा है या जो पार्लियामेंट या स्टेट की प्रिविलेज के लिए या कोई ट्रेड सीक्रेट कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन से ठीक है या
फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड, फॉरेन गवर्नमेंट से कोई कॉन्फिडेंस में इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। इनको डिस्क्लोज से एग्जेम्पशन मिली हुई है, जिसका डिस्क्लोजर किसी की लाइफ को एंडेंजर करता है, एंडेंजर लाइफ या सिक्योरिटी ऑफ एनी पर्सन, ओके। या कोई इंपीड करता है कोई इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन को, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन को इंपीड करता है, इंपीड कर दी। ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके अलावा कैबिनेट पेपर्स, जो कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स की आपस की बातचीत है, ये सब के लिए एग्जेम्पशंस है गवर्नमेंट को। किस किस काम के लिए? जिससे देश की सॉवरिंटी और इंटीग्रिटी अफेक्ट होती है, ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज, ट्रेड सीक्रेट, फॉरेन गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस, एंडेंजर लाइफ एंड सिक्योरिटी ऑफ एनी पर्सन, इम्पीड इन्वेस्टिगेशन एंड कैबिनेट पेपर्स, ये सारों पर एग्जेम्पशन मिली हुई है, ये गवर्नमेंट आपको डिस्क्लोज नहीं करेगी, ओके। उसके अलावा सेक्शन, ये सारे, इसके अलावा सेक्शन 8 कहता है, ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है, इन्वेजन अनलेस कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो उसको छोड़ के, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ये वाली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, या इंफ्रिंजमेंट ऑफ, सेक्शन 9 कहता है इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, किसी के कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी। और सेक्शन 10 कहता है कि यदि कोई इंफॉर्मेशन है जिसमें से कुछ मैटर ऐसा होता है जो इन क्लॉजेज में आता है और बाकी ऑर्डिनरी है, तो ऐसा नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, पार्शल इंफॉर्मेशन विल बी डिस्क्लोज, क्या किया जाएगा, पार्शल इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। हाँ जी, समझ में आती है बात, इन दैट केस पार्शल इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड। ये तो आया एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब हमें समझना है हु इज, हाँ जी, अब आपको समझना है हु इज एक्सक्लूडेड, कौन कौन एक्सक्लूड है, ठीक है। अब
अब हमें समझना है who is excluded. कुछ लोग इसमें से एक्सक्लूड किए गए हैं, अब हमें समझना हु इज एक्सक्लूडेड. हु इज एक्सक्लूडेड, ये तो हमने बताई थी क्या क्या इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट की गई और किस किस से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते. तो बेटी जो सेंट्रल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि हमारे यहाँ सेकंड शेड्यूल में जो स्पेसिफाई की गई है सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी लाइक आईबी रॉ DRI, Directorate of Revenue Intelligence, Central Economic Intelligence Bureau, Directorate of Enforcement, Narcotics Control Bureau, एविएशन रिसर्च सेंटर्स, इस तरह की जो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये जो सारी एजेंसियां हैं, एनएसजी, आईडी, इंडो टिब्बेटन बॉर्डर फोर्स, सीआईएसएफ, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, असम राइफल्स, ठीक है, क्राइम ब्रांच सीआईडी, इन सब से हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते. लेकिन ये जो एग्जेम्पशन है नॉट एब्सोल्यूट. यदि कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, तो इन लोगों को भी इंफॉर्मेशन देनी होगी. यदि कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, ठीक है, वो आपको मिलेंगी सीआईसी की अप्रूवल से विद इन 45 डेज. यदि कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, ठीक है, अब हम समझेंगे इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में और उनकी पावर्स के बारे में और अपीलर अथॉरिटीज, क्या क्या अपीलर अथॉरिटीज हैं इनके बारे में. अब आ जाइए इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में.
information commissions. Informations commissions. तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशंस